शुभोदय। तो हम इससे पहले बरसते बादल सॉरी बदले अपने सोच जो पाठ के बारे में हम पढ़ चुके थे, पाठ के उपरांत हमें जो अधिग्राहित प्रतिक्रिया के बारे में हमें पढ़ चुके थे, तो आज हमें इस सत्र में अभिव्यक्ति सृजनात्मकता और भाषा की बात के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए छात्रों, इस पाठ को चार भागों में पूरे पाठ का विश्लेषण मैं कर चुका था। तो अब अभिव्यक्ति के बारे में, तो तुम सब लोग जानते हैं कि अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में जो छात्र अपने स्वीय विचारों को अभिव्यक्त करने का होता है, तो यहाँ पर लघु प्रश्न रहेंगे और सारांशात्मक प्रश्न और उसके साथ प्रशंसात्मक और सुझावपूर्ण प्रश्न भी हमें यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में हमें तीन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो पर्यावरण के बिगड़ने से आगामी भविष्य में और किसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है, विग्रहों के स्थान पर आप होते तो कौन से प्रश्न उठाते हैं। तो छात्र मैं इससे पहले मैं जब मैं पाठ पढ़ाते समय तुम लोगों को बताया था जो एक एक भाग के लिए मैं सरल सरल प्रश्नों को श्याम पट पर लिखकर उसके जो जवाबों को तुम्हारे सामने मैंने रखा था, उन समाधानों को उन जवाबों को तुम लोग एक बार पुनश्चरण करके एक बार आप रिकॉल करके इन प्रश्नों के उत्तर भी तुम लोग लिख सकते हैं। उदाहरण तौर पर पर्यावरण के बिगड़ने से आगामी भविष्य में और किसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो युगरत्न श्रीवास्तव ने पाठ में अनेक प्रकार के समस्याएं समीक्षा संघ के सामने रखी है, जो उन जो समस्याओं के साथ साथ भविष्य में हमें किस प्रकार की समस्याएं आने वाली हैं, अटे पर्यावरण ये वातावरण असमतुल्यता की गुरी थे భవిష్యత్తులో మనం ఎటువంటి సమస్యలు ఎదుర్కోబోతున్నాం అనే దానికి మీరు స్వయంగా సొంతంగా అంటే పాఠంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య అంశాలని జోడిస్తూ మనం ఏవైతే బోర్డు మీద రాసుకున్నామో వాటిని జోడిస్తూ మీరు కూడా సొంతంగా స్వీయ ఆలోచనలు కూడా ఇక్కడ మీరు రాయవలసి ఉంటుంది. దూసరా హే జల సంరక్షణ కైసే కియే జా సక్తా హే, జో పానీకు కైసే సంరక్షణ కర్ సక్తే హే, యానీ జో పానీకు కైసే ఇకట్టా కర్ సక్తే హే, ఉస్కే బారే మే భీ తుమ్ లోగ్ అప్నే स्वयं स्वीय विचारों को यहाँ पर अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये लघु प्रश्न है, इसलिए तुम लोग चार पांच वाक्य तीन चार वाक्य में उत्तर लिख सकते हैं। युगरत्न के स्थान पर आप होते तो कौन कौन से प्रश्न उठाते, तो युगरत्न ने अनेक प्रकार के प्रश्नों को वहाँ पर उठाए हैं, सवालों को जो सभा के सामने रखी है। अगर युगरत्न के स्थान पर तुम रहे नुनते नी मनसो इंका वेरे इतर आलोचन एवं उन्या वाटे प्रश्न की जवाब का वाइटा మీరు ప్రయత్నించండి. సో ఛాత్ర మై అవనిపా తుమ్లోగోకు దొహరాన చాతా హూ. తో ఇస్సే పహలే మైనే చార్ భాగోం కే అంతర్గత్ అనేక సరళ ప్రశ్నోం కో యహాన్ పర్ లిఖ్ కే తుమ్లోగోం కో సమ్జాయా థా. ఉన్ సరళ ప్రశ్నోం కే ఉత్తరోం కో తుమ్లోగ్ జో ఉన్కీ సహాయతా సే ఇన్ ప్రశ్నోం కే ఉత్తర్ లిఖ్ సక్తే హై ఔర్ అప్నే విచారోం కో భీ ఉస్మే జోడ్ సక్తే హై. तो आमे देखिए इस भाषण लेख का सारांश अपने शब्दों में, ये सारांश अपने प्रश्न है, तो इसे एक सारांश के रूप में जो मैंने जितने भी यहाँ पर प्रश्न इससे पहले पाठ पढ़ाते समय यहाँ पर लिखा था उन सभी प्रश्नों को जोड़ते हुए तुम लोग सारांश को भी वहाँ पर तुम्हारे उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं, तो इसका भी तुम लोग घर पर लिख लीजिए। तो प्रकृति संरक्षण पर पांच नार लिखिए, तो क्या है ये नार, ये सृजनात्मक प्रश्न है। तो प्रकृति संरक्षण कैसे करें, इस संबंधी और ऐदु निनादाल स्लोगन से भी मेरे राय में युगरत्न के भाषण में तुम्हें कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्यों, तो ये प्रशंसा पूर्वक प्रश्न है ये। तो युगरत्न जो भाषण में अनेक अंशों को उन्होंने सभा के सम्मुख रखी है, तो वो क्या क्या बातें तुम्हें बहुत अच्छी लगी, आम माटल बागा नचने अंटी पाइंट वाले रास्ते दी जवाब मन की वस्तु इंट्लो टेक्स्ट बुक मैं चलवें नीन ప్రతి లెసినప్పుడు చిన్న చిన్న సరళ ప్రశ్న రూపంలో జవాబులు రాయడం జరిగింది, వాటన్నింటినీ దగ్గర పెట్టుకోండి, ఈ ప్రశ్నలు దగ్గర పెట్టుకోండి, మీరు చాలా ఈజీగా వీటికి జవాబులు రాయగలుగుతారు. తో ఏ హై అభ్యక్తి సృజనాత్మకత, అభ్యక్తి సృజనాత్మకత మే లఘు ప్రశ్న హై, సారాంశాత్మక ప్రశ్న హై,
और सृजनात्मक प्रश्न है, प्रश्नोत्तरपूर्वक प्रश्न भी है, इन सबको तुम अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना जरूरी है। तो भाषा की बात के अंतर्गत आएंगे, भाषा की बात में पूरा व्याकरण संबंधी अंश ही रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए वाक्य प्रयोग, छात्र में इससे पहले जब पाठ पढ़ाया था जो सामने मैंने कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिखकर तुम लोगों को समझाया था, उसी प्रकार ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, संघ द्रुवीयु लुप्त तकनीक वर्धन, इन शब्दों के शब्दों को प्रयोग करते हुए वाक्य प्रयोग यहाँ पर करने के लिए बताया गया था। तुम लोग कोशिश कीजिए और उसके बाद आ सही अर्थ वाले शब्द से जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर देखिए पानी इकट्ठा धरती प्रफुल्लित, इसके सामने अनेक प्रकार के जो उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, उदाहरण तौर पर पानी जल वारी नीर, जो पानी का पर्याय शब्द है जल वारी नीर, वैसा ही इकट्ठा धरती प्रफुल्लित, इसका भी तुम लोग उत्तर पुस्तिका में जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। तो ई है, नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए, रेखा शब्दों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर तीन डिब्बे हैं, एक दो तीन डिब्बे हैं, एक एक में क्या है, एक समुच्चय बोधक के बारे में, दूसरा संबंध बोधक के बारे में, तीसरा विस्मयादि बोधक के बारे में। तो तुम लोग हमें आठवीं कक्षा में भी तुम लोग पढ़ चुके होंगे कि आओ की बल्कि तो ये सभी समुच्चय बोधक के शब्द हैं, आओ की बल्कि तो। इन समुच्चय बोधक के वो चिन्ह है, वे क्या है, रेखांक शब्दों में आओ की बल्कि तो आदि शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, जो शब्दों को वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं इसे क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। इसके यहाँ पर चार उदाहरण दिए गए हैं, इसे तुम लोग पढ़कर अपने पुस्तिका में लिख लीजिए। एक उदाहरण के रूप में तुम लोगों को मैं पढ़कर सुनाऊंगा। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया, यहाँ पर और के नीचे रेखा दिया गया है, तो और क्या है, समुच्चय बोधक है, ये दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द है और रिंडी कल्पे और का बटे समुच्चय बोधक। तो दूसरा देखेंगे संबंध बोधक, के ऊपर के पास के भीतर, ये तीन जो शब्द है संबंध बोधक के अंतर्गत आएंगे। तो इसका जो विशेष शब्द क्या होता है, रेखा शब्दों के शब्दों में के पास के ऊपर के भीतर आदि शब्द स्थान का संबंध प्रकट करते हैं, इसे संबंध बोधक कहते हैं। जो ये शब्द जो है के ऊपर के पास के भीतर, ये स्थान के जो स्थान का संबंध को प्रकट करता है। तो जो रेखांक शब्दों में के पास के ऊपर के भीतर आदि शब्द स्थान का संबंध, जो ये शब्दों से स्थान का संबंध को बताने के लिए इन शब्दों को प्रयुक्त करते हैं, इसलिए संबंध बोधक कहते हैं। स्थानानि संबंधी प्रत्येकत्वं तेलुगुतुंदि जो संबंध बोधक। उदाहरण रूप में एक बात देखिए, किसी के पास भी लड़की के सवालों का जवाब नहीं था, के पास तो क्या है, यहाँ पर के पास उनके पास, तो स्थान के बारे में, जो धरती के ऊपर प्रकृति है के ऊपर, जो वैसे इस प्रकार ये तीन जो के पास के ऊपर के भीतर, ये तीन जो शब्द है ये स्थान का संबंध को प्रकट करने वाले शब्द है, उसे कहेंगे संबंध बोधक, जो स्थान को संबंध को प्रयुक्त करने वाले शब्द को संबंध बोधक कहते हैं। उसके बाद है विस्मयादि बोधक, वाह हाय ओह, तो इस क्या है, जो रेखांक शब्दों में वाह हाय ओह आदि शब्द आश्चर्य का बोध करते हैं, इन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जो यहाँ पर आश्चर्य को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं, वाह हाय ओह अयो आहा अला मैं तेलुगुलो अंटाम, अब्बो अला अनुकुंटा मैं, अब्बो इवन्नी कूडा हिंदीलో మనం విస్మయాది బోధకం అంటాం, ఇది ప్రత్యేకంగా ఆశ్చర్యానికి సూచికగా వీటిని మనం చూడొచ్చు। तो ये है, ये तीन भाषा की बात के अंतर्गत हमें इस पाठ में दिया गया है। और ये में देखे सिर्फ तीन रेखांकित जो रिक्त स्थान पूर्ति करने वाले वाक्य दिए हैं, तो वाह के नीचे और जो हमें ऊपर डिब्बे में पढ़ चुके थे उसके अनुसार यहाँ पर तीन रिक्त स्थान प्रश्न दिए हैं। छात्र यहाँ इसे समझ लीजिए और इसका जवाब रिक्त स्थानों में पूर्ति करने की कोशिश कीजिए। और इसके बाद है परियोजना कार्य, जो परियोजना कार्य हमें रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत तुम्हारे अध्यापक जी ने परियोजना कार्य को दे देंगे। तो इस प्रकार छात्र एक बार मेरी बात पर अपने ध्यान आकृष्ट कीजिए। तो हमें अधिग्राहिता प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता, भाषा की बात
जो ये तीन अंश है, जो तीन दक्षताएं हैं, ये पाठ के अंतर्गत ही रहेंगे। आप पाठ को ठीक तरह समझेंगे तो इन तीन दक्षताओं के प्रति भी तुम लोग अच्छे जो ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। तो तुम सब लोग क्या करें, तो एक बार पाठ पढ़िए और इन तीन दक्षताओं के प्रति अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। अगर इसमें कोई शंकाएं हैं तो तुम अपने अध्यापकों से संपर्क कीजिए। ओके, अगले सत्र में हमें अगले पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।